नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 469वां एपिसोड। आज 3 दिसंबर की तारीख है भाई, और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आईपीएल में दो टीमों को कप्तानों की जरूरत थी, और अब उनके कप्तान कौन होंगे उसका हिंट भी मिल गया है। आरसीबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा जीसी की बैठक के हवाले से भी रिपोर्ट्स बताएंगे, दिन भर की 10 खबरें बताएंगे। आईपीएल के फैन है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, लाइक का बटन नीचे हिट कीजिए। अगर आपके यहां भी सर्दियां आ चुकी हैं तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करकर आईपीएल की खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। चलिए पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली केकेआर के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट है। दिल्ली और केकेआर के मालिकों ने एक बड़ा बयान दिया है आईपीएल के मेगा ऑक्शन को लेकर। इन दोनों के मालिकों ने, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर और दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल शामिल है, इन्होंने कहा है द बिग ऑक्शन हैड आउटलिव्ड इट्स यूजफुलनेस, नीड ऑल प्लेयर्स इन ऑक्शन। भाई केकेआर और दिल्ली वाले ये बोल रहे हैं कि जो मेगा ऑक्शन है उसकी यूजफुलनेस खत्म हो गई है, क्योंकि मोस्टली बड़े बड़े नाम से रिटेन हो गए हैं। इनके हिसाब से सारे प्लेयर्स नीलामी में जाने थे, मतलब विराट, रोहित, धोनी सब नीलामी में बिकने थे। अब इनकी बात से आप कितना सहमत है, देखो ये सब कुछ डिबेट का विषय है, और मुझे लगता है कि इस पर एक डिबेट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आरसीबी ने 10 साल पहले 12 साल पहले विराट कोहली को ले लिया, तब विराट इतने बड़े नहीं थे। पर अब नियमों में फंसा कर उलझा कर विराट लगातार आरसीबी के साथ लगे हुए हैं, और दिल्ली केकेआर वाले यही चाहते हैं, छोटी टीमें यही चाहती कि ये बड़े प्लेयर्स भी नीलामी में आए, ताकि हर टीम में इन्हें जाने का मौका मिले और हर टीम को इसका फायदा हो। तो बहस होनी चाहिए इस पर, आप बताइए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही इमोशनल मैसेज दिया है। मुंबई इंडियंस से अनरिटेन रहे ये, और अब रिपोर्ट्स भी आने लगी है इस मैसेज के बाद कि ये अहमदाबाद की टीम में जा रहे हैं। इन्होंने कहा है ऑल गुड थिंग्स मस्ट एंड बट MI विल रिमेन इन माय हार्ट फॉरएवर। इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई हर अच्छी चीज का एक ना एक समय पर अंत हो जाता है इनके हिसाब से, और अब MI उनके दिल में हमेशा रहेगी। लेकिन मैं बता दूं एक चीज आपको कि अच्छी चीज का अंत नहीं हुआ है हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि कम से कम 20 करोड़ रुपए या 15 से 17 करोड़ रुपए इन्हें मिलने वाले हैं अगले आईपीएल के लिए। तो ये जरूर एक इमोशनल टच पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि केएल राहुल हार्दिक पांड्या में, मतलब केएल राहुल हार्दिक पांड्या और विराट रोहित धोनी, इनमें अंतर ही ये है कि एक तरफ ये दोनों लालच कर रहे हैं अपनी टीम को छोड़कर दगा देकर, और ये तीन बाकी के जो है वो कम पैसे करा करा कर खेल रहे हैं, और इसीलिए ये तीन महान है और ये दो नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी आज, और कई सारे मुद्दों पर बात होगी इसको लेकर। मैं सुबह ही एक बहुत बड़ी न्यूज दे चुका हूं, तो इसे जरूर देखिएगा। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बहुत कुछ होगा, और क्या होगा वो तो सच में देखने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो जाएगा, और अब ये जो टेस्ट मैच होगा ये नए कोविड वेरियंट के खतरों के साय के बीच में होगा, इसलिए वानखेड़े स्टेडियम के सिर्फ 7,000 सीटों को भरा गया है, और सिर्फ 25% कैपेसिटी के साथ ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में होगा। आगे जाकर अब सवाल उठता है कि क्या होगा इंडिया में आईपीएल का हाल, तो उसको लेकर भी एक डिटेल में हम रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे, और सोर्सेस के हवाले से क्या चल रहा है पर्दे के पीछे वो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की, अब हम बात कर लेते हैं। तो CSK विल ब्रिंग बैक प्लेसेस इन द ऑक्शन। CSK के CEO विश्वनाथ का ये बड़ा बयान आया है। इन्होंने कहा है कि चेन्नई पूरी कोशिश करेगी कि नीलामी में फाफ डू प्लेसेस को वापस लेकर आया जाए, और चेन्नई इसलिए ये करने वाली है क्योंकि चेन्नई को फ्यूचर कैप्टेंसी का एक विकल्प तो मिलेगा ही, लेकिन एक बहुत बड़ा विदेशी बल्लेबाज, बहुत बड़ा विदेशी ओपनर मिलेगा। तो ये इनका बयान था, मैंने आपको बता दिया। यहां से एक हिंट मिल गया है कि चेन्नई फिर से नीलामी में बोली लगाएगी फाफ डू प्लेसेस पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो आरसीबी और पंजाब किंग्स के नए कप्तान को लेकर कुछ बड़े हिंट्स, कुछ बड़ी रिपोर्ट्स सोर्सेस के हवाले से आई। सबसे पहले अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात करें, तो यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को ही विकल्प माना जा रहा है नए कप्तान के रूप में। हालांकि एक चीज और बता दूं कि शुभमन गिल को ये लोग टारगेट करेंगे नीलामी में। तो आरसीबी का सीधा प्लान यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके हाथ में है ग्लेन मैक्सवेल, उनको कप्तान बनाया जाए, और अगर कहीं से शुभमन गिल मिल जाते हैं नीलामी में, क्योंकि देखो श्रेयस अय्यर का मिलना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं से अगर शुभमन गिल मिलते हैं तो उन्हें कप्तानी की भागदौड़ दी जाए। अगर हम पंजाब किंग्स की टीम की बात करें, तो यहां पर मयंक अग्रवाल को ही विकल्प देखा जा रहा है, और उसके अलावा किसी भी विकल्प की तरफ नहीं देख रही है पंजाब की टीम। जाहिर है उस खिलाड़ी की तरफ देखा जा रहा है जो इनके साथ जमा हुआ है, जकड़ा हुआ है,
और मतलब लगा हुआ है। सीधी बात है भाई, केएल राहुल तो छोड़कर चले गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की। संजू सैमसन इज राजस्थान रॉयल्स लॉन्ग टर्म लीडर, ये कहना है राजस्थान रॉयल्स के कोचिंग डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट के हेड कुमार संगकारा का। इन्होंने साफ कह दिया है भाई कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर आज से 5 साल का फ्यूचर देख रही है तो उस फ्यूचर में वो संजू सैमसन को देख रहे हैं। मतलब संजू सैमसन को यहां आने वाले अगले 5 सालों तक 15 करोड़ रुपए हर साल मिलते रहेंगे, तो इनकी तो चांदी हो गई है। लेकिन जाहिर है एक नया कप्तान, एक नया भारतीय विकल्प भी यहां से भारतीय टीम को भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कश्मीरी प्लेयर ही बोल रहा है, अब्दुल समद, जो कि इसी आईपीएल में बिके हैं, मतलब रिटेन हुए हैं एसआरएच की टीम की तरफ से 4 करोड़ रुपए में। उन्होंने कहा है ह्यूज थिंग फॉर कश्मीर। उन्होंने कह दिया है कि ये जो 2 कश्मीरी प्लेयर हैदराबाद की टीम में बिके हैं ना, ये रिटेन हुए हैं ना, ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है। एक समय देखा है दोस्तों आईपीएल ने आज से 5 साल पहले तक का, जब कश्मीर का एक भी प्लेयर आईपीएल में दिखता नहीं था, लेकिन पिछले 3 सालों में अब कश्मीर के बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। ये बताता है कि कश्मीर भी तरक्की कर रहा है और ये बताता है कि वहां का क्रिकेट भी बहुत हद तक आगे जाने के लिए तैयार है। और अगर आप इससे खुश हैं, सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है हमारे पड़ोसी देश के हवाले से, इस रिपोर्ट को बताने से पहले बता दूं कि आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आईपीएल की तमाम खबरें सबसे पहले, पिन पिन बराबर की खबर भी सबसे पहले टेलीग्राम पर दे देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पर जाइए, द रियल एमसीपी को सर्च कीजिए, जो पहला रिजल्ट आएगा उसे खोलिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे। ये जो गूगल वाला मैंने तरीका बताया, इससे ही हमें फॉलो करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली भाई टेलीग्राम पर जाकर माई क्रिकेट प्रोडक्शन को सर्च करेंगे ना, मैं मिलूंगा नहीं, मेरे नाम से फेक अकाउंट बहुत है, तो फॉलो कर लेना, बहुत कुछ चल रहा है और सारी खबरें सबसे पहले वहीं पर मिल रही। चलिए 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो रमीज राजा बोल रहे हैं अपने ही पीसीबी के मैनेजमेंट को, इन्होंने शिकायत की है कि why big names not playing PSL। ये अपने ही मैनेजमेंट से बोल रहे हैं कि क्यों बड़े बड़े नाम PSL नहीं खेल रहे हैं। एक तरह से दोस्तों इनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है कि बड़े प्लेयर्स को लाओ, अब ये नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े प्लेयर्स इस साल आएंगे नहीं, ये आप मान लीजिए PSL में, तो ये अपने मैनेजमेंट के ऊपर डोल रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने जो अपना खुद का बेड़ा गर्क किया आतंकवादियों को सपोर्ट कर वो इनके गले पड़ गया है। ये तो थी भाई दिनभर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि कौन सी खबर इन 10ों की 10ों में से आपको सबसे बेहतर लगी। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए।